हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी वर्ल्ड। दोस्तों आज मैं आपके सामने वो वीडियो बना रहा हूँ जिसके बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियो में बात की थी। दोस्तों मैं काफ़ी समय से एक अच्छे माइक की तलाश में था। मैं मेरे सारे वीडियो अपने आईफोन पे बनाता हूँ और इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, पर एक प्रॉब्लम आ जाती है जब आप किसी भी फ़ोन पर रिकॉर्ड करते हैं कि वो बैकग्राउंड साउंड बहुत अच्छी तरह से कैच कर लेता है। और मुझे चाहिए था कोई ऐसा माइक जो डायरेक्शनल हो, के जिस तरफ मैं डायरेक्ट करूं तो उस तरफ की वॉइस वो कैच कर पाए। तो हाँ, मुझे मिला था रोड। दोस्तों ये जो माइक है रोड माइक, ये डायरेक्शनल माइक है। और दोस्तों आज मैं आपके सामने इसे अनबॉक्स करूंगा और देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहली चीज कि इस वक्त जो आप आवाज सुन रहे हैं ये एक रॉ फाइल है। दोस्तों इस फाइल में, इस ऑडियो फाइल में मैंने किसी तरह का हेर फेर नहीं किया, किसी तरह की एडिटिंग नहीं की, तो इस तरह की आवाज आपके पास आती है जब आप एक आईफोन से शूटिंग करते हैं। दोस्तों ये करीब करीब एक मीटर की दूरी से मैं ये वीडियो ले रहा हूं और इस वक्त ये आवाज अच्छी आ रही है। और एक जरूरी बात है, इस वक्त इस कमरे में, जिस कमरे में मैं हूं वहां किसी भी तरह की आवाज नहीं है। इस वक्त मेरे एसी बंद है, मेरा फैन बंद है, हाँ खिड़की खुली है, तो अगर आपको किसी तरह की हवा की आवाज़ आ रही हो तो ये कैच कर लेगा, वरना पॉसिबली आवाज़ कुछ खास तो मुझे महसूस नहीं हो रही है। पर हाँ, मैं जैसे ही इसे खोलूँगा और इसे इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि किस तरह का डिफरेंस आता है। ये एक रोड माइक है और ये एक कैमरा माउंट माइक है। ये आईफोन पे नहीं चलेगा अगर आप इसे सीधा खरीद लें। इसके लिए आपको एक पैच केबल की ज़रूरत होगी जो है C7. दोस्तों ये जो केबल है ये थोड़ा महंगा है, करीब 1000 रुपये का है, पर इसकी बहुत ज़रूरत थी। मेरे पास किसी तरह का SLR नहीं है, पर मैंने ये जानबूझ के खरीदा है क्योंकि मैं आगे जाके एक DSLR खरीदना चाहता हूँ जिससे मैं मेरे बाकी के वीडियो शूट कर पाऊँ, और उस वक्त ये बड़ा काम आएगा। पर तब तक ये जो केबल है ये मेरे आईफोन से कनेक्ट हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा सारा शूटिंग का। तो चलिए देखते हैं इसे अनबॉक्स करके कि आखिर में मुझे आज मिलने क्या वाला है इस बॉक्स के अंदर, और आप भी देखिए। तो दोस्तों अब इसे खोलने की बारी आ गई है, और खोलने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, और वो ये है कि इसकी कीमत अराउंड 5900 लिखी गई है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, क्या आप देख पाओगे इसे? देखिए यहां पर 5900 रुपये लिखी है, पर मुझे करीब 4900 में पड़ा। थोड़ा महंगा है बट अच्छा प्रोडक्ट है, तो शायद पैसे देना भी करीब करीब ठीक ही है। और इसकी कीमत करीब 1100 रुपये लिखी है और ये मिला मुझे 990 रुपये का। ऑनलाइन परचेस है, ऑनलाइन से ख़रीदा है मैंने। अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट या ऐसा कोई प्रोडक्ट देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन फील्ड में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। और दूसरे यूट्यूबर्स के भी रिव्यू देखिए कि कैसे उन्होंने इसके बारे में रिव्यू दिया, मुझे बहुत पसंद आया है इसीलिए मैंने इसे खरीदा। तो सबसे पहले इसे मैं खोल के दिखाता हूँ, अभी तक तो सील ही है और इसका सील मैंने खोला नहीं है। चलिए इसे खोलते हैं। बस एक अच्छे SLR की जरूरत है, जरूर उसे भी खरीद के मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या लेने की सोच रहा हूं। बट हाँ, फिलहाल मेरे पास ये बॉक्स आ गया है और कुछ चीजें इसमें जो लिखी हुई है ये बड़ी काम की है। मैं फटफट पढ़ लेता हूं आपके लिए। 2 years वारंटी, नो बैटरी रिक्वायर्ड, कॉम्पैक्ट साइज एंड अ सस्पेंशन माउंट विच इज इंक्लूडेड। तो चार चीज़ें हैं, बैटरी की जरूरत नहीं, 2 साल की वारंटी, छोटा सा साइज है, बड़े आराम से ये आपके कैमरा में फिट हो सकता है या किसी ट्राईपॉड पे लगा लीजिए अगर आप कैमरा को ना इस्तेमाल करके अपने फ़ोन को इस्तेमाल करने वाले हैं। और एक अच्छा माउंट है ताकि वो सस्पेंशन से एब्जॉर्ब करे और ऑडियो नॉइज ना आए, ऑडियो डिस्टर्बेंस ना आए। तो इसके साथ कुछ चीज़ें जो मुझे दिख रही है, वाओ। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो इसके साथ मिली है वो है ये साउंड मफलर। दोस्तों ये एक बड़े कमाल की चीज़ है, अगर विंडी जगह हो, ज़्यादा हवा हो, तो ये काफ़ी हद तक उस आवाज़ को दबा देता है
और यूट्यूबर्स के लिए या वीडियो शूटिंग के लिए बड़ी काम की चीज है। इसे एक और चीज कहते हैं जैसे जैसे कि डेड कैट, इसे डेड कैट भी कहा जाता है और ये रोड की ब्रांडिंग के साथ आता है। तो एक बहुत ही एक्चुअली बहुत अच्छा, जैसे कि क्या कहें, एक सॉफ्ट टॉय को कैसे आप हाथ में रखते हैं बिल्कुल एक सॉफ्ट टॉय की तरह है। द मेन प्रोडक्ट इज दिस माइक दोस्तों, ये एक उंगली भर का है, छोटा सा साइज है इसका, पता नहीं आपको ये सुनाई दे रहा है या नहीं। मेटल बॉडी, तो ऑफ कोर्स इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी होगी, ये लंबे समय तक चलेगा। देखने में बहुत ही छोटा सा क्यूट सा, चलिए देखते हैं और क्या है। ये उसका माउंट है जो कैमरा में फिट होने वाला है और इसके साथ आपका, अगर आप चाहें तो इसे फिट भी कर सकते हैं ट्राइपॉड पे, या तो आप इसे फिट कर सकते हैं कोल्ड शू माउंट के साथ, यानी कैमरा पे सिर्फ इसे अटकाना है और आपका माइक यहां लगाना है। दोस्तों इसके साथ और एक चीज आती है, वो है ये वायर। ये वायर इस वक्त मेरे किसी काम की नहीं है, पर जल्दी ही मैं इसे काम में लाऊंगा जब मेरे पास मेरा अपना कैमरा होगा। और देखते हैं इस वायर की क्वालिटी क्या है, बिल्ड क्वालिटी क्या है। ठीक ठाक है, अच्छी क्वालिटी है, ये भी रोड के ब्रांडिंग के साथ आती है। और एक्चुअली हर एक चीज रोड के ब्रांडिंग के साथ आती है। तो यहाँ पर है द सस्पेंशन, और सस्पेंशन पे भी रोड की ब्रांडिंग है, देखिए आप देख सकते हैं करके, ये एक सॉफ्ट सा है ताकि वो किसी भी तरह के झटके को सह सके और खास कोई आवाज ना आए। और एक छोटी सी बुकलेट है जो सारी भाषाओं में है, कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ फिट करना है, उसका सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ है। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा कि उसे क्या करना है कैसे करना है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी कि मैं इसे मेरे आईफोन से इस्तेमाल कर पाऊँगा कि नहीं। अगर मैं सिर्फ ये बॉक्स खरीदता तो शायद नहीं कर पाता। अब मुझे खोलना है ये पैच केबल। चलिए देखते हैं, ये थोड़ा मुझे महंगा लगा बट ठीक है, अगर ये मैं नहीं खरीदता तो मुझे इस चीज को खरीदने के लिए काफी समय इंतजार करना पड़ता, बट अब मैं इसे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये है मेरा पैच केबल दोस्तों। ये जो केबल है ये है TRS टू TRRS दोस्तों। अभी तो दोस्तों इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूं ये मैं अपने नए माइक पे बात कर रहा हूँ, रोड का माइक्रो। और दोस्तों इस वक्त मैंने किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं की है, मेरा माइक करीब करीब मेरे वही 1 मीटर के डिस्टेंस में रखा हुआ है मेरे पास। पर एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मैंने डेड कैट का इस्तेमाल नहीं किया है और माइक बिल्कुल मेरे डायरेक्शन पे है, मेरी तरफ मुँह करके रखा है मैंने। और आप बताइए कि डिफरेंस कैसे हैं। अगर आपको कुछ अलग महसूस होता है कि हाँ डिफरेंस था, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए, क्योंकि इस वक्त मैं उसे बिना डेड कैट के इस्तेमाल कर रहा हूँ और अब मैं इसे डेड कैट के साथ इस्तेमाल करूँगा, तो प्लीज़ होल्ड। अब ये डेड कैट है और मैं इसे अभी का अभी उसे लगा देता हूँ। तो दोस्तों आप सुन सकते हैं कि आवाज में डिफरेंस जरूर है, और मैं थोड़ा एक कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रहता हूं और आप देखिए कि आपको सराउंडिंग में कुछ आवाज में डिफरेंस आता है या नहीं, क्योंकि मैंने बार बार कोशिश की कि थोड़ा देर शांत रहूं ताकि आपको पता चले कि सराउंडिंग की आवाज आपको मिलती है या नहीं। मैंने आईफोन के साथ, यानी मेरे इनिशियल वीडियो के स्टार्ट से आईफोन में शांत रहने की कोशिश की, और उसके बाद मैंने बिना डेड कैट के शांत रहने की कोशिश की। अब मैंने उस मफलर को लगा लिया है और अब मैं शांत रहता हूं और बाहर की आवाज सुनने की कोशिश करिए।
तो आपने देखा करके आवाज में एक ड्रास्टिक डिफरेंस है, बहुत ही बेहतरीन आवाज है। और आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज से, और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं एक अच्छा कैमरा ले लूँ और आने वाले मेरे वीडियो उसमें बनाऊँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को देखिए, मेरे पास कई अलग अलग प्रोडक्ट को मैं रिव्यू भी कर लेता हूँ। मोस्टली मेरा चैनल ऑल अबाउट माई बाइक, बाइकिंग के बारे में, उसके मेंटेनेंस के बारे में है। आप मेरे चैनल पे जाइए और देखिए करके मैंने किस तरह के वीडियो बनाए हैं। हाँ, और अगर आपको एक सवाल है कि मैंने ये माइक क्यों पहना है, तो जैसे ही आप मेरे चैनल पे जाएंगे मेरा पहला वीडियो आपको बता देगा कि मैंने ये माइक क्यों पहना। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, प्लीज लीव मी अ कमेंट एंड आई विल आंसर इट। आई होप यू हैव अ गुड डे एंड अ हेल्दी लाइफ।